हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पर बनारस। तो आपको ये बनारस के घाट का सीन दिख रहा होगा, और ये है बनारस का कौन सा घाट है आपको पता है? ये है 80 घाट, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। और भीड़ कम थी, लेकिन शाम तक होते होते भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे साफ सफाई बहुत था, क्योंकि हर 10 मिनट, हर आधे घंटे बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है सफाई के लिए लोग जो लगे हुए थे ना, बहुत अच्छे से साफ कर रहे थे। और हर एक जगह पे ये भी बोला जा रहा था, जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो ये ध्यान दिया जा रहा था कि आप जो है उसको डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि सही बात है, गंदगी हम ही लोग करते हैं और फिर हम ही लोग शिकायत करते हैं कि उस घाट पे इतनी गंदगी है, वहां पे सफाई नहीं है। लेकिन उस गंदगी के जिम्मेदार कौन होते हैं? वो हम ही लोग होते हैं, और हम लोग करते ही नहीं है और शिकायत सबसे पहले करते हैं। तो अगर कोई भी जगह हो, अगर उसको साफ सुथरा आप देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए खुद खुद भी अलर्ट होना चाहिए, खुद साफ सुथरा मतलब अपने से ही करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लोग जो खा रहे थे तो उसको डस्टबिन में उसके टुकड़े को डाल रहे थे, तो ये हमको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इधर उधर ना उसके रैपर्स को इधर उधर ना फेंक करके उसको ठीक है उसी में डस्टबिन में डाल रहे थे, तो ये हमको अच्छा लगा। तो और घाट पे यहाँ पे कई कई नाव है, आपको दिख ही रही है। तो हम लोग बैठे पानी वाले जो जहाज है उस पर हम लोग बैठे, क्योंकि मम्मी से बोले, मम्मी हर बार तो इस छोटी वाली नाव पे हर बार तो बैठते हैं, क्यों ना इस बार हम लोग जहाज पे बैठे। वैसे मम्मी को कन्विंस करना इतना इजी तो नहीं था, बट हाँ फिर मम्मी मानी, बोली अच्छा ठीक है चलो बैठ जाते। पहले तो मम्मी मतलब एग्री ही नहीं थी कि हम लोग यहाँ पे बोटिंग करें। फिर मम्मी को मतलब रिक्वेस्ट किए कि मम्मी आए हैं तो फिर क्या मतलब है। फिर मम्मी अच्छा मान गई, फिर मम्मी खुद बोली कि अच्छा चलो ठीक है और हम लोग करते हैं, फिर बैठते हैं। तो फिर हम लोग ये जो छोटी वाली नाव थी उस पर ना बैठ करके, ये जो वो जहाज था ना पानी वाला, जो बड़ा वाला था, इस पर हम लोग बैठे, जो सेकेंड वाले फ्लोर पे बैठे। तो यहाँ से ये जो साइबेरियन पक्षी है, ये इतने मतलब जैसे जैसे इनको दाना मिल रहा था वैसे वैसे ये सब पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था देख करके सब। और एक चीज और अच्छा था, मतलब आप लोग जब भी जाइएगा ना घाट पे, तो ये वाला जहाज जरूर करिएगा, क्योंकि ये पता है हमको इसका एक चीज बहुत अच्छा लगा। 100 रुपये लिया पर पर्सन, 100 रुपया है, और 100 रुपये में ये जितने बनारस में जितने भी घाट है पूरा घुमा दिया। तो ये हमको बहुत मतलब फुल पैसा वसूल वाला लगा। मम्मी से हम बोले, बार बार ये बोल रहे थे कि मम्मी हमको ये घाट पे जो घुमाया ना, वो हमको जरा सा भी ये नहीं लगा कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा चला गया, हमको वो बहुत अच्छा लगा। और सारा घाट मतलब आप यहीं पे बैठ करके, इस जहाज में बैठ के सारे घाट को आप देख लो। इसमें आप मणिकर्णिका घाट था, राजा घाट था, और क्या बोलते हैं उसको, 80 घाट तो था ही, मतलब हमको सारे घाट देखे। और यहाँ से वो विश्वनाथ जी वाला जो द्वार होता है ना, वो भी यहाँ से दिख रहा था। नमो घाट, हाँ नमो घाट भी था। नमो घाट का तो सिंबल आप लोग जानते ही हैं, जो हाथ जोड़ करके है, तो वो हम वो नमो घाट भी यहाँ से दिखा, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और पक्षी मतलब ये जो चिड़िया पक्षी जो भी है ना, मतलब ये जो साथ साथ टहल रहे थे, घूम रहे थे, उड़ रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। और घाट तो मतलब, और एक चीज और है, मतलब फोटो ऐसा नहीं है कि मोबाइल मेरा खराब है या व्यू इतने साफ क्यों नहीं आ रहे, पता है? क्योंकि इतना भयंकर कोहरा था ना, कोहरा की वजह से व्यू बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। जितना भी धुंध दिख रहा है ना, सब कोहरा ही है। पहले तो हमें लग रहा था कि मेरा वो मोबाइल ही खराब हो गया, कैमरे को हम कई बार पोंछे, फिर हमको समझ में कोहरा की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए सारे घाट दिख रहे हैं। और हाँ, जब भी आपको घूमना हो ना, तो आप शाम को घूमो, क्योंकि शाम को इतनी लाइटिंग रहती है ना, इतनी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है वो, ज्यादा सीन रात में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि पूरा लाइट से भरा हुआ रहता है। तो और ये देखिए सामने जो धुआं जल रहा है, वो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे इतनी डेड बॉडियां मतलब बॉडीज जल रही थी, तो यही लग रहा था। और लाइन भी लगी थी डेड बॉडीज की, तो हमको यही लगा कि मतलब ट्रूथ ऑफ द लाइफ यही है कि सच में आप इतना सब कुछ करो, इन द लास्ट यहीं पे खत्म हो जाना है, सारा चीज यहीं का यहीं रह गया। आया क्या, आपका बॉडी आया और यहाँ से जल के कहानी खत्म हो गई। तो यही चीज समझ में आता है कि सही बात है, इतना आदमी पूरे टाइम रोता है गाता है, और लेकिन एक दिन क्या, सब यही छोड़कर इतना हर चीज के लिए, इसी की वजह, इसके लिए भाई से झगड़ा, बहन से झगड़ा, माता से झगड़ा, पिता से झगड़ा, प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या क्या, लेकिन सब यही का यही रह जाता है। तो
सच में। और घाट पे आओ ना, तो ये नहीं कि आप आओ और यहाँ पे ऐसे घूम के चले जाओ, आप 1-2 घंटा यहाँ पे ना मतलब बिल्कुल शांति से एकांत में थोड़ा बैठो, आप मतलब सोचो थोड़ा सा, लगता है आपको कि हाँ सच में मतलब लाइफ यही है, पूरा सब का सब यही रह गया और इंसान चला गया। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पे अपना पूरा टाइम बिता देते हैं, पूरा टाइम पूजा आरती भगवान में ही एकदम लीन रहते हैं, तो अच्छा लगता है। जिसको जिस भी हिसाब से शांति मिलती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी जरूर। और हाँ, आप अगर बनारस आओ और घाट न घूमो तो फिर तो आपका बनारस आना ही बेकार है, मतलब वो यात्रा ही इनकम्प्लीट है जब आप बनारस आके यात्रा यहाँ की यात्रा ना करो। और यहाँ पे ये चीज, ये पुल हमको, ये जो था हमको ये बहुत अच्छा लगा, नीचे ट्रेन चल रही है, सॉरी नीचे पानी में जहाज चल रहा है उसके ऊपर जो ये पुल बना है वो अब ट्रेन चले, और उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट वाला है मतलब जो वो आना जाना है लोगों का, तो वो हमको बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, कुछ तो अपने इंडिया में अच्छा चीज है, तो ये भी अच्छा लगा हमको। और इसका और भी हम क्लोज होकर के इसका दिखाते हैं इसका वीडियो, नीचे देखिए जहाज पानी वाला नाव है, उसके ऊपर ट्रेन है, और उसके ऊपर वो चीज है मतलब वो बाइक्स है, ऑटो है, 4 व्हीलर है, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए और क्लोज से हम आपको दिखाते हैं, तो ये अच्छा लगा हमको। ये देखिए ट्रेन, उसके ऊपर वैसे वाले साधन, और नीचे पानी, पानी में जो है इतनी बोटिंग, और ये देखिए छोटे छोटे जो नाव चल रहे हैं। और ये था कि पानी मतलब कंटिन्यू जो है ना वो लहरों में था, ऐसा नहीं कि वो स्टिल एकदम रुका हुआ हो, ऐसा तो नहीं था। फिर हम लोग घाट से वापस आ गए, सॉरी जहाज से वापस घाट पर आ गए। घाट पे सारी चीज़ें बिक रही थी। ये हमको जहाज़ बहुत ख़रीदने का मन था बट हम लिए नहीं, हमको लग रहा था अभी मम्मी कहेंगे बच्ची हो क्या। फिर उसके बाद ये मतलब कलरफुल इतने होते हैं ना कि देखने में, देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ पे रुके, एक्चुअली इस टाइम क्या है राम जी वाला वाइब्स बहुत चला है, अयोध्या वाला, तो यहाँ पे हम रुके, हमें लगा कि ये भी वो अयोध्या वाला मंदिर है, बट ये क्लोज और आकर के देखा तो ये पता चला काशी विश्वनाथ वाला स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे बिक रहा था, अच्छा लग रहा था, पूरा उसका वुडन वर्क था, तो ये भी मेरा मन था लेने का बट हम नहीं लिए। फिर उसके और आगे आए तो यहाँ पे हम ये देखे ना कि यहाँ पे चावल पे नाम लिख रहे थे, कोई इनके पास ऐसा पेन था कि जिससे वो चावल पे नाम लिख रहे थे। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे थोड़े से रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, फिर उसके बाद निकल गए हम लोग यहाँ से, मतलब घाट से, और आगे गए। फुलकी भी खाए थे इनका, वैसे अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे एक कैफ़े में लेके आए, और हाँ आप लोग अगर बनारस आते हो ना तो इस कैफ़े में ज़रूर आना, इसका नाम है बासी लीफ। यहाँ की कॉफ़ी ना मतलब हमें तो बहुत पसंद आई, बाकी आप लोग का टेस्ट, आपको शायद आपको भी पसंद आए। और यहाँ पे हम लोग का लास्ट जो था वो कॉफ़ी था, यहाँ से हम लोग कॉफ़ी पिए और कॉफ़ी, और ये देखिए घाट के एक बिल्कुल बगल में है ये बासी लीफ, बहुत अच्छा लगा।